पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 3 में स्थित शंकर न्यूटीकॉन कंपनी द्वारा लगातार केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। दूषित पानी को तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण तालाब का पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है। मवेशी भी अब इस पानी को नहीं पी सकते हैं। पूर्व में कई मवेशी इस पानी को पीकर मर भी चुके हैं। वहीं ग्रामीणों को भी कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों की फसलें भी खराब हो रही है। आसपास के पानी के जो स्रोत, कुआं, ट्यूबवेल, नदी, तालाब, पानी भी पूरी तरह दूषित हो चला है। धीरे धीरे ग्रामीणों द्वारा कंपनी प्रबंधन को कई बार शिकायत भी की गई। बावजूद इसके अभी तक दूषित पानी छोड़ना बंद नहीं किया है। वहीं ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदूषण विभाग द्वारा अभी तक कोई बड़ी कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। तालाब के पानी से क्या परेशानी आ रही है? ये कंपनियों का केमिकल छोड़ छोड़ के तालाब में पानी खराब हो रहा और गांव में सांस लेने में तकलीफ आ रही, मच्छियां मर रही। पहले गाय ढोर पानी पीते थे, अब तो पानी भी नहीं पी पा रहे, और अभी भी गाय ढोर पानी पीते तो मर जाते। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप रघुवंशी, ग्राम सुरावर। पानी से क्या परेशानी आ रही है? इससे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। पूरे गांव का पानी दूषित हो रहा है, तालाब में गंदा पानी निकाल रहे कंपनी वाले, और बहुत समस्याएं पैदा हो रही है इससे। आम जनों को बहुत तकलीफ है। ट्यूबवेल में गंदा पानी, और ट्यूबवेलों का भी पूरा पानी गंदा हो रहा है। इस कंपनी का पानी बंद करवा जाए। इस कंपनी का क्या नाम है जो गंदा पानी? यूँ तो हम सब साई शक्ति बोलते हैं, लेकिन शंकर सोया के नाम से है ये। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।